वैसे स्थिति में दान की बाजी लगाकर लोगों को भोजन तक भी अपने कार्यकर्ताओं के द्वारा पहुंचाया है, जिस स्थिति में लोग घर से बाहर तक नहीं झांक सकते। पहले जो जनार्दन मांझी विधायक साहब थे, वो आज तक हमको लगता है जीतने के बाद एक भी बार नहीं आए। हम लोग को ऐसा नेता चाहिए जिसका चेहरा नहीं देखे हैं, आज तक राजनीति का वो कोखो नहीं जानता होगा और उसको टिकट दे देते हैं। एक विकास करने वाला युवा और होनहार नेता चाहिए अमरपुर को। पूर्व विधानसभा से मृणाल शेखर चुनाव नहीं लड़ रहा है, पूरा अमरपुर विधानसभा का जनता चुनाव लड़ रहा है। एक एक दिन मेहनत कर रहे हैं, उस तरह का नेता हमारे प्रदेश को चाहिए, ना कि नीतीश कुमार जिसको भेज देते हैं किसी को भी कि जाओ भाई टिकट लेके जीत के आ जाओ। कोरोना काल में जो कि हमारा कोई प्रतिनिधि हमारे क्षेत्र में नहीं आया और हमारा जो है ये कार्यकर्ता जिसके लिए हम जान दे रहे हैं वे हमारे लिए कोरोना काल में आ करके भोजन का इंतजाम किया और सबको बांट करके खिलाया। बांका जिला के अमरपुर विधानसभा क्षेत्र स्थित इंग्लिश मोड़ के पास है, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम अब की बार किसकी सरकार। इस कार्यक्रम में हम जनता की राय जानने के लिए निकले हैं और ये भी जानना चाहेंगे कि बिहार में जो अभी सरकार है नीतीश कुमार की, उस सरकार से जनता कितनी खुश है, सरकार को बदलना चाहती है, सरकार को कंटिन्यू करना चाहती है। साथ ही अमरपुर विधानसभा में यहाँ की जनता क्या चाहती है, कैसा हो उनका विधायक, किस तरह का विधायक वो चुनेगी, आइए चलते हैं सीधे जनता से बात करते हैं। हमारा विधायक जो कि हमारा विकास हो, हम लोगों को जो कि शिक्षा नीचे गिरा हुआ है उसको आगे बढ़ाने के लिए ऐसा नेता का आवश्यकता है। कोरोना काल में जो कि हमारा कोई प्रतिनिधि हमारे क्षेत्र में नहीं आया और हमारा जो है ये कार्यकर्ता जिसके लिए हम जान दे रहे हैं वे हमारे लिए कोरोना काल में आ करके भोजन का इंतजाम किया और सबको बांट करके खिलाया। हमारा तो ऐसा ही विचार है कि हमारा नेता ऐसा ही हो जो कि हमारे मरने के बाद और जीने के बाद भी साथ दे। हम लोग को नेता जो समाज के प्रति जिनका सोच हो कि समाज के विकास अपने स्वार्थ के लिए नहीं, और ऐसे नेता को हम लोग बहुत दिन तक इस पर भरोसा किया, लेकिन आज तक हम लोग को कोई नेता ऐसा नहीं मिला जो कि सब अपने कुर्सी के फेर में साठ गांठ कर लेते हैं और कार्यकर्ता को देखने वाला नहीं होता है। हम लोग को ऐसा नेता चाहिए जिसका चेहरा नहीं देखे हैं, आज तक राजनीति का वो कोखो नहीं जानता होगा और उसको टिकट दे देते हैं। आज जो बुरे समय से साथ देते आया है, 5 बरस तक खटते आए हैं, हारने के बाद भी उनका उन्हीं वही स्नेह प्यार के साथ जनता का सेवा करते आए, तो हम लोग का क्या विचार है, क्या उनको छोड़ दें। एक कहावत है, एक चिड़िया बैठा था डाल पर, कहा कि जब का हम इस गाछ पर बैठे हैं और ये सूख गया तो हमारा क्या फर्ज बनता है, हम इस दुख सुख में भी साथ देकर हम कंकल चुन के खाएंगे लेकिन इसी गाछ पर रहेंगे। जो 70 साल से सामंतवादों के बीच में हम लोग रह रहे हैं, जूझ रहे हैं और सामंतवादी अभी तक नहीं मिटा, हम लोगों को आज़ादी भी नहीं मिली है, इसलिए हम लोग चाहते हैं कि हमारा गांव स्वतंत्र हो, हमारा राष्ट्र स्वतंत्र हो और सबको अधिकार मिले, सब लोग हंसी खुशी में खेले, दुख सुख से गुजरते रहें। लेकिन ये हम लोगों के बीच में जो भाजपा सरकार आई है, इन्होंने अपना रुख दिखा दिया और दिखा, आज 10 साल से हम लोग देख रहे हैं कि कितना सुख हम लोगों को भाजपा सरकार में मिली है। एक विकास करने वाला युवा और होनहार नेता चाहिए अमरपुर को, जो अमरपुर की धरती पर कुछ करके दिखा सकें। इसके लिए हमारे बीच मृणाल शेखर जी ने आज 8 साल से अपना तन मन धन लगाया है। वैसे स्थिति में दान की बाजी लगाकर लोगों को भोजन तक भी अपने कार्यकर्ताओं के द्वारा पहुंचाया है, जिस स्थिति में लोग घर से बाहर तक नहीं झांक सकते थे। आज हमारे बीच जो भी है
हमारे हर दुख सुख में जो साथ रहे, हमारे हर विकास के ऊपर जिसका ध्यान रहे, वैसे नेता की अमरपुर को सख्त आवश्यकता है। हम लोग, हमारा नाम हुआ रामदेव यादव, ग्राम बरोथा। हम लोगों को मृणाल शेखर ऐसा नेता चाहिए, इसलिए अभी अमरपुर विधानसभा से मृणाल शेखर चुनाव नहीं लड़ रहा है, पूरा अमरपुर विधानसभा का जनता चुनाव लड़ रहा है। जिस प्रकार से मृणाल शेखर जी हमारे युवाओं के लिए रोज एक एक दिन मेहनत कर रहे हैं, उस तरह का नेता हमारे प्रदेश को चाहिए, ना कि नीतीश कुमार जिसको भेज देते हैं किसी को भी कि जाओ भाई टिकट लेके जीत के आ जाओ। हमें मृणाल शेखर जैसा नेता चाहिए, वंशवाद वाला नेता नहीं चाहिए कि बाप भी है तो बेटा भी बन जाए। युवा नेता चाहिए जो फील्ड पे काम करे। दिया से ले तक अभी तक बीजेपी में थे, लेकिन मेरा मुराद अभी तक पूरा नहीं हुआ। अपने मन से भेज देता, जिसको चाहो भी दे दो, नहीं देंगे उसको। मृणाल ऐसा नेता को देंगे वोट। हमको मृणाल भैया जैसा नेता चाहिए जो युवा के हित में काम करे और अमरपुर के साथ साथ शंभुगंज का भी विकास करे। पहले जो जनार्दन मांझी विधायक साहब थे, वो आज तक हमको लगता है जीतने के बाद एक भी बार नहीं आए। बाद में दम है, एक भी बार नहीं आए हमारे इधर कोई क्षेत्र में, ना ही उन्होंने कोई विकास किया, तो हम क्यों देंगे उनको वोट। सर्वांगीण विकास होना चाहिए, हर तरह का विकास, जो भी जो तकलीफ हो पब्लिक को, जनता को, उसमें सुख दुख में साथ देने वाला नेता हो जो हर तरह के काम में मदद करे आपको। जैसे अभी आपका जो वर्तमान विधायक हैं, हमारे आप कहाँ के हैं नहीं पता, हमारे जो वर्तमान विधायक हैं, जीतने के बाद हम पिपरा गांव से हैं, भरतशिला पंचायत में, हमको नहीं लगता है कि 10 साल में वो एक भी दिन के लिए पिपरा आए होंगे। क्या दुख है, क्या तकलीफ़ है, क्या कठिनाई है, उसके विषय में उनको कोई लेना देना नहीं है। जीत के जाते हैं, उसके बाद क्या करते हैं ये सर्वविदित है, सब कोई जानते हैं। हम लोगों को ये मृणाल जी जो हैं, ये 8 नवंबर 2015 को हारे हैं, 9 को कहीं भी रहे होंगे, जहां कहीं भी हों, और हमको जहां तक याद है 10-11 से आज तक, 2015 से आज तक पब्लिक के बीच में है। हो मोर चनंद माय के हो मनाय दे, अंदरी माय में चानन माय माय झगड़ा कर ले, चानन माय हो जाय का रामपुर मगिरी हो गेल। हो मनाय दे भैरो लाल, हो मोर चनंद माय के हो मनाय दे, जो होते चनंद माय राही तन सहाय, एक दिन में रामपुर बना देतन हो बनाय। हो मनाय दे भैरो लाल, हो मोर चनंद माय के हो मनाय दे। हमारा नाम बदुल मंडल छिके, हमारो घर टाढ़ी होले। नेता चाहिए मृगलाल के ऐसा नेता, जनार्दनो बाबू के देखलिए कि हमरो देश के चीज के आ ले जाए कर अपनो देश में जाकर बनवा दिल के, तू नेता की चाहिए जानन छे अपने अमरपुर विधानसभा का कॉलेज आले तो कॉलेज जाकर हम लगी का बौसिम बना दिल के बारे बारे नेता अमरपुर हमरा देश में हमरा अमरपुर थाना में कने जगह नहीं चले कहीं अमरपुर तो बोलते है हमरा जगह चाहिए विधानसभा में जगह देती है लेकिन हमारा 100 जन थोड़ी नहीं कम होती है। तो हम थे अमरपुर विधानसभा में, यहाँ की जनता का साफ कहना था कि वे वंशवाद के खिलाफ है, और जो प्रत्याशी जनता के बीच में रहते हैं, हमेशा जनता से जुड़ा हुआ रहते हैं, जनता के हित के बारे में सोचते हैं, इस बार वो उनको वोट करेंगे और इस बार उनको यहाँ से विधायक बनेंगे। तो आप देख रहे थे अब की बार किसकी सरकार, कैमरामैन सुबोध के साथ अमित राज।